के बंधन खोलता, स्व को स्वयं से जोड़ता, अंतर के बंधन खोलता, ऊर्जा का निर्मल स्रोत बनकर धमनियों में दौड़ता। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामूहिक ओंकार नाद दिनांक 28 अप्रैल 2018 यानी आज ही के दिन नरसिंह जयंती के पावन अवसर पर रात्रि 11:11 से प्रारंभ होकर 11 मिनट तक निरंतर किया जाएगा। टू मेक उज्जैनी रिकॉग्नाइज्ड एज नेवल ऑफ अर्थ ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक फैक्ट्स, प्रोटेक्शन ऑफ द वर्चुअस रिवर शिप्रा and start IST Indian Standard Time from Ujjaini and get Ujjaini accredited as World Heritage by UNESCO and wishing for gross world welfare, International Mahanad Yog is organized in India, America, as well as at Czech Republic, Brazil, Venezuela, Belgium and Bali. Today at 11 hours, 11 minutes and 11 seconds, will be continuously chanting Om for 11 minutes and I request everyone to be part of it and wish for gross world welfare. तो लिली जी आपका स्वागत है, आप स्टेज पर पधारे और कबीर निर्गुण धारा के भजनों से यहाँ उपस्थित सभी को आनंद विभोर करें। नाद का शब्दों से मिलना गीत का निर्माण है। जगवर्धन गाइए गणपति, जगवर्धन गाइए गणपति जगवर्धन। जय श्री महाकाल। बलिहारी जाऊं रे, मेवारी जाऊं रे, बलिहारी जाऊं रे, मेरा सतगुरु आंगन आया, मैं वारी जाऊं रे, मैं वारी जाऊं रे, बलिहारी जाऊं रे, मैं वारी जाऊं रे, बलिहारी जाऊं रे, मेरा सतगुरु आंगन आया, मैं वारी जाऊं रे, मेरा सतगुरु आंगन। Now I would like to request all the dignitaries to come forward for the lighting of lamp. Swa ko swayam se jodta, antar ke bandhan kholta, swa ko swayam se jodta, antar ke bandhan kholta, उपस्थित हमारे सब परम आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर आरेश शर्मा जी, कुलपति
मेडिकल यूनिवर्सिटी जबलपुर, परम श्रद्धे डॉक्टर पी एन मिश्रा साहब, डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर, मंत्र एवं नाद अनुसंधान पर आपकी विशेषज्ञता है, और डॉक्टर आरएस शर्मा साहब, गायत्री मंत्र और हृदय रोग की चिकित्सा पे बहुत ही विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर एके द्विवेदी जी हमारे सहयोगकर्ता हैं, संरक्षक हैं, आज के हमारे विशेष अतिथि हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार है कि आपका ये आशीर्वाद, और विश्वास करते हैं कि ये बना रहेगा। हमारे परम श्रद्धेय स्वामी डॉक्टर नारदनंद जी महाराज शक्तिपाताचार्य के विशेष प्रयास से, विशेष अनुसंधान से इस डोम का यहाँ पर निर्माण किया गया, जहाँ पर अभी हम ओंकारनाद करने जाएंगे और जहाँ पर ये मंत्र चिकित्सा का हम प्रयोग करने जाएंगे, वहाँ हम 11:11 पर वहाँ कुछ लोग वहाँ से और कुछ लोग आप लोग जो रहेंगे वो यहाँ से नाद करेंगे और बाकी लोग डोम में से नाद करेंगे। इस महानाद योग को करने के पीछे अंतिम रूप से सत्य यही है कि नाद चिकित्सा, मंत्र चिकित्सा से लोगों को फायदा हो और साथ ही साथ उज्जैनी को पृथ्वी के नाभि केंद्र में के रूप में यूनेस्को द्वारा प्रतिष्ठित किया जाए, विश्व धरोहर के रूप में इसे घोषित किया जाए। डॉक्टर अश्विनी कुमार द्विवेदी, फाउंडर एंड सीईओ एट एडवांस होम्यो हेल्थ एंड होम्योपैथिक मेडिकल रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड। कई लोगों ने देखा होगा या सुना होगा कि जब लोग काफी लंबी बीमारी से छुटकारा नहीं पाते हैं और अस्पताल में एडमिट रहते हैं, तो कोई न कोई उनके पास पहुंचता है और उनको यह ज्ञान देता है कि आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यदि हम मंत्रों का सही तरीके से जाप करें तो हम मेंटली, फिजिकली स्वस्थ तो रह ही सकते हैं, इसके साथ हम किसी भी बीमारी से दूर हो सकते हैं, उससे छुटकारा पा सकते हैं। आप सभी लोग यहाँ पर पधारे, हमें सुना, आप सभी को बहुत सारा धन्यवाद, थैंक यू। मैं आप सभी से पुनः आग्रह करता हूँ कि जिस मंत्र पर आपको श्रद्धा हो उस मंत्र का जाप आप करने का प्रयास करें, निश्चय ही आपको आसानुरूप फल प्राप्त हो सकेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। Now, I would like to request Dr. Arish Sharma to come forward and express his views. आपको विदित है, आज का कार्यक्रम मुख्यतः मंत्रों की शक्ति और खास करके ओम के उच्चारण पर आधारित है। पर मेरा विश्वास रहा शुरू से कि इन वैदिक पद्धतियों का वैज्ञानिक पहलू है, इस कारण से मैंने फिर इसका वर्क चालू किया 1995 से। गायत्री मंत्र का किया, ओम को उच्चारण का किया, प्राणायाम का किया और मेडिटेशन, तो मैंने पाया कि बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले इसमें। और जब ओम को उच्चारण उसने करना चालू किया, उसी दौरान हृदय गति कम हो जाती और रक्तचाप कम हो जाता, उसी दौरान जब वो कर रहा है। ओ दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, माँ भी लंबा खींचना, ओ को भी लंबा खींचना। उस समय हमारे चेस्ट का प्रेशर बढ़ता है, उस समय ये सब चीजें जो मैंने आपको बताई वो चालू होती है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये स्टडी की गई, ये फ्रीक्वेंसी ओम की जो है वो बहुत यूनिक है, तो हम लोग उसको अभी रिकॉर्ड भी करेंगे। अभी ओमनाथ की जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको रिकॉर्ड करेंगे। और हमारे यहाँ जो ट्रिपल IIT DM है जबलपुर, उसमें हमने बात की हुई है, इस फ्रीक्वेंसी का एनालिसिस भी किया जाएगा कि क्या उसमें एक्स्ट्रा चीजें जो कि दूसरे मंत्र में नहीं है। मैं बधाई देना चाहता हूँ ऑर्गेनाइजर्स जो हैं महानाद इस ऑर्गेनाइजेशन के, बहुत ही सराहनीय है कार्य, और मैं आशा करता हूँ कि इस तरह के कार्य रेगुलरली किए जाएंगे, हर जिले में किए जाएंगे, हर गांव में किए जाएंगे, हर घर में किए जाएंगे, तभी इसका महत्व है। और आज जो ये न्यूक्लियस बन रहा है, क्रिस्टल बन रहा है, मुझे लगता है आगे चल के ये क्रिस्टलाइजेशन बहुत आगे तक जाएगा, बहुत बड़ा रूप लेगा। बधाई और धन्यवाद।
मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अब हम 11:11 की ओर जा रहे हैं, 10:12-13 का समय शेष हो रहा है, तो मैं जो स्पेशल डोम यहाँ पर महानाथ योग का बनाया गया है, उस डोम में अतिथियों को ले जाने के लिए आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। ये डोम जो यहाँ पर निर्मित किया गया है, इसमें नाद चिकित्सा और मंत्र अनुसंधान केंद्र यहाँ पर शुरू किया जा रहा है। आपको स्काइप के माध्यम से 7 देशों के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चुने जा रहे हैं, वो सृष्टि का नाद, ब्रह्मांड का नाद। आप लोग एक साथ शुरू करें। डॉक्टर पीएन मिश्रा, संयुक्त राष्ट्र फेलोशिप और कॉमनवेल्थ अकादमिक स्टाफ फेलोशिप के प्राप्तकर्ता होने के साथ साथ आप बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी हैं, और अपना अध्यक्षीय भाषण दें। ईश्वरी प्रेरणा से मेरे मन में ये भाव आया कि ओमकार से तो आदमी का स्वास्थ्य ठीक हो जाता है, अब इस दिशा में हमें प्रयोग करना होगा। डॉक्टर शर्मा के प्रति मैं साधुवाद अर्पित करना चाहूंगा कि ऐसा वे नहीं कह रहे हैं कि पतंजलि ने ऐसा कहा था, या वेदों में ऐसा था, या पुराणों में ऐसा था, या शास्त्रों में ऐसा था। आधुनिक विज्ञान की भाषा में प्रयोग और परीक्षण करके उसको उन्हीं की शब्दावली में, उन्हीं के शोध पत्रिकाओं में उन चीजों को प्रकाशित कर रहे हैं। हम उसे व्यवहार में ले आए, हजारों साल से जमी जमाई चीज को बिना तार्किक आधार के छोड़ना उचित नहीं है। तो प्रयोग तो आप जारी रखें, पर उन प्रयोगों के जो परिणाम आ रहे हैं उसका उसी प्रकार से विश्लेषण करें जिस प्रकार से डॉक्टर शर्मा जी ने उसका संकेत दिया है। इस अभियान की शुरुआत हो चुकी है और क्षिप्रा नदी के तट पर यह विश्वव्यापी तो होगा ही। सूर्य किरणों से कमल का खिलना भी एक योग है, प्राणों का यूं देह से मिलना भी एक योग है। चेतना यदि ना रहे तो शिव भी शव हो जाता है। ये योग है।
स्वामी जी का वॉइस का नहीं मिल पा रहा है, इसलिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। मैं आदरणीय प्रणवानंद जी महाराज से उन्हीं के प्रतिनिधि के रूप में और इस आश्रम के जो व्यवस्थापक हैं उनसे निवेदन करूंगा कि यहाँ पधारे हुए अतिथियों और सभी सुधीजनों का आभार व्यक्त करें। मैं कौशिक जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो उन्होंने इस प्रोग्राम को बड़ा विशाल रूप दिया है। पहले हमने किया था तो राष्ट्रीय प्रोग्राम था, अब अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्राम हो गया है, तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये प्रोग्राम ये उस लेवल तक लेके आए। और उनकी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनके मार्गदर्शन में कार्य करते हैं। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ पर पधारे सभी श्रोतागण। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग यहाँ पधारे और इस कार्यक्रम को इतना बड़ा रूप दिया आप लोगों ने। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आप सभी का।